और चलिए अब आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। देखिए ईडी के एक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। और इधर एबीपी न्यूज से बातचीत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अब पलटवार किया है। मोहन यादव ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने नैतिकता खो दी है, केजरीवाल को कुर्सी से प्यार है जनता से नहीं, केजरीवाल ने झूठ बोलने में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश में भी धुआंधार कैंपेनिंग हो रही है और उसके साथ राजनीतिक गतिविधियों में लगातार तेजी आ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। पार्टी के मंत्री संजय सिंह जी ने कहा है कि आप लोग धमकाकर अंदर जेल में रखना चाहते हैं जिससे जो संभव हो सके सीट जीत लें। आरोप लगाया है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है विरोधी पक्ष के लिए। आपकी जानकारी के लिए, आप पार्टी का जन्म कैसे हुआ था? आप पार्टी के लोग तो वो थे जो सुचिता की बात करते करते आए थे, जो लोकपाल के आधार पर पूरे देश में एक अलग प्रकार का वातावरण लेकर के आए थे। हम सुरक्षा नहीं लेंगे, अपने सामान्य मकान में रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे, शराबबंदी कर देंगे, सब गलत बात है। बड़ा मकान नहीं लेंगे, सरकार से हमको कोई मोह नहीं, कुर्सी का हमको कोई लालच नहीं। आप देखिए एक के बाद एक कांग्रेस तो अब बहुत पीछे रह गई, आप उससे कई गुना आगे चली गई। पूरे देश इस बात का तमाशा देख रहा है कि आप पार्टी के लोग कितना बड़ा झूठ का पहाड़ खड़ा करते हैं। एक नेता लगातार डेढ़ डेढ़ साल तक जेल में पड़े हैं क्योंकि शराब नीति में इनवाले सत्यात्मक प्रमाण है। कोर्ट ने अगर जमानत भी दी है तो इस शर्त के साथ दी कि आपका पासपोर्ट जमा कराना पड़ेगा, आपको ये कोई फालतू के कमेंट नहीं करना पड़ेंगे, और एक नहीं दूसरे भी और तीसरे तो और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो जनता ने वोट दे करके जिनको चुना था, अगर जनता वोट दे के चुनती है तो बड़े सम्मान के साथ हमको मान सम्मान मिलता है, लेकिन कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री के पद का ऐसा क्या मोह। तो मुख्यमंत्री एक मिनट, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनसे तो बेहतर हो लालू यादव जी से लेकर उनका परिवार, जिसने इस्तीफा दे करके अगर कोई आरोप लगा तो जेल गए, लेकिन केजरीवाल उनसे आगे निकल गए कि अगर आरोप लगा तो मैं जेल अंदर से सरकार नहीं चला रहा। ये आपने नैतिकता का जनाजा निकाल दिया, ये इतना बड़ा पाप किया। ये जितने लोगों ने दिल्ली में उनकी सरकार के लिए वोट दिया, ये सब उनका अपमान करके बता रहा है केजरीवाल जी, जेल के अंदर से क्या सरकार चला रहे हैं। और अभी भी मोह ऐसा कि वो नहीं तो उनकी पत्नी आएगी, उनके किसी कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं, उनके पार्टी के नेताओं पे उनका भरोसा नहीं, इससे कैसे काम चलेगा ये लोकतंत्र को? अरविंद केजरीवाल से आपत्ति है कि उनके जेल से काम करने से बतौर मुख्यमंत्री आपत्ति? ये जो नैतिकता के मामले पे जो बात करते करते पार्टी शुरू आए तो ही, और जो ढंग से नैतिकता का गला घोटाया अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने, ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय है और जनता सब इसका चुनाव में हिसाब चुकता करेगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।